वेलकम एवरीवन, फिर से आ गए अपन एक नया आइटम लेके। और सबसे पहले यार थैंक यू वो पावर बैंक वाली वीडियो में 1K सब्सक्राइबर्स कर मतलब सॉरी 1K व्यूज करने के लिए, सब्सक्राइबर्स नहीं है बट 1K व्यूज मेरे लिए काफी एक अच्छा माइलस्टोन था जो कि हुआ। उसके बाद मैं मोटिवेट हुआ वापस से काम पे आने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच 1000 व्यूज के लिए। तो आज अपन लेके आ गए हैं ये कोशियन ईच प्रो गेमिंग हेडसेट। बेसिकली एक बजट हेडसेट है गेमिंग के लिए, गेमिंग जैसा दिखता है। आप क्या फोटो वोटो जब खींचोगे तो अच्छी मस्त आएगी, और पहन के फोटो खींचोगे मतलब। तो और क्वालिटी वाइज अभी खोल के चेक करेंगे कैसा है। बाकी अगर स्पेसिफिकेशंस जो मैंने इसमें पढ़े लिखे हुए हैं, जो जैसे कि गोल्ड प्लेटेड 3.5 mm 4 पिन प्लग, कंपैटिबल विथ लैपटॉप पीसी मोबाइल टैबलेट प्ले स्टेशन सबके साथ चलता है भाई ये, और मात्र 1400 नहीं सॉरी 1140 रुपये का है मात्र। और अभी शायद इसकी रेट थोड़ी बढ़ गई, 1250 कुछ ऐसा, 150 रुपये ऊपर नीचे हुआ होगा बट ये। और बेसिकली इसमें कोई वारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, चाइनीज प्रोडक्ट है। और हाँ, अमेजोन पर रिप्लेसमेंट हो जाता है। अगर आपको लगे कि अगर ये सही नहीं है तो आप इसको बिल्कुल रिटर्न कर सकते हो, अपने पैसे वापस ले सकते हो 1 हफ्ते तक। जैसे कि मैंने इसको आज मंगाया तो 26th of December तक मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ जब भी मैं चाहूँ। और मेनली जो लोग एक्सपेंसिव गेमिंग हेडसेट्स नहीं ले सकते, जैसे कि गेमिंग हेडसेट्स आप देखते हो 7500 के आसपास अच्छे गेमिंग हेडसेट आते हैं, जो जिनको अगर एक नॉर्मल अच्छी फील चाहिए है और कम बजट में चाहिए, तो 1100-1200 रुपये में अगर ये मिल रहा है तो इट्स अ गुड चॉइस, नो इशूज। तो चलिए इसको पहली बार ओपन करते हैं। मैंने इसको पहले ओपन नहीं किया है एक भी बार जब से आया हुआ है। बाकी बबल अबल रैप में है बकाया था, डब्बा बड़ा वो पिचका पिचकूस आया पता, क्योंकि सॉफ्ट कवर में आया था बेसिकली ये, इसलिए शायद डब्बा इतना टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। ये कुछ गाइड है इसके साथ, वारंटी कार्ड नहीं है एज एक्सपेक्टेड। तो वारंटी है क्या इसमें? ओ वारंटी है भाई, वारंटी है, लेकिन ये वारंटी कहाँ चलेगी कहाँ नहीं चलेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि ये चाइनीज़ है और इंडिया के लिए तो इसमें मतलब लैंग्वेज भी नहीं लिखी हुई है इंग्लिश। तो मतलब इसकी जो भी नहीं है, है इंग्लिश भी है यार, है इंग्लिश। तो बेसिकली मुझे नहीं पता इंडिया में इसकी कहाँ आप वारंटी क्लेम कर सकते हो, बट मे बी इनकी वेबसाइट पर जाकर आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। सो ऐसा कुछ ऐसा है हेडफोन। ये वॉल्यूम रोटेटर है यहाँ पे, इससे आप वॉल्यूम सेट कर सकते हो। माइक को यहीं से आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हो, और ये बटन शायद गाने बदलने के लिए, आई एम नॉट श्योर। इसको बाहर निकालते हैं। केबल क्वालिटी अच्छी है भाई, ब्रेडेड केबल है जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी केबल मानी जाती है, ब्रेडेड केबल। तो ब्रेडेड है ये केबल, तो 1400 रुपये में अगर इन्होंने भाई इतना मतलब सॉरी 1140 रुपये में अगर इन्होंने इतना 1150 रुपये में अगर इन्होंने इतना किया हुआ है, ब्रेडेड केबल भी दे रखी है और गोल्ड प्लेटेड कुछ है वो क्या बोलते हैं, ग्लू ग्लू, अरे यार ये गोल्ड प्लेटेड पेन है भाई, पेन गोल्ड प्लेटेड है इनकी भाई। और ये काफ़ी भाई हैवी टाइप का मटेरियल है भाई, हैवी लग रहा है, अच्छे खासे लग तो रहे कि अच्छी क्वालिटी के हैं, बट समझ नहीं आ रहा कैसा, क्योंकि मटेरियल फील टच एंड फील बहुत प्यारा है भाई, टच एंड फील बहुत प्यारा है इसका। तुम पहनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ऊपर यहाँ पे देखो हेड कुशनिंग भी है, ईयर कुशनिंग भी है, और रेड और ब्लैक डीमन ब्लैक सॉरी डीमन रेड बोलते हैं इस कलर को, ये डीमन रेड कलर में है। यहाँ पे लाइट्स जलती हैं, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट्स दिखेंगी, लाइट्स जलेंगी। तो कुछ ऐसा है, पन्नी में अभी फिलहाल निकाल दूँ क्या पन्नी यार, पन्नी वन्नी फाड़नी पड़ेगी यार, रहने तो फाड़ेंगे आड़ेंगे नहीं अपने, बाद में फाड़ेंगे जब खेलेंगे। तो ये कुछ ऐसा है, और ये तो होता रहता है, हेडफोन जो लोग यूज़ करते हैं उनको तो पता होगा कि ऐसा ढीला डाला था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जॉइंट है यहाँ पे, मतलब शायद ये निकलता है क्या, चेक कर लूँ एक बार, नहीं ये अटैच्ड है। और ये ब्लूटूथ नहीं है भाई, अगर ये निकल रहा होता तो ब्लूटूथ होते, बट यह लगा हुआ है अटैच है यानी ब्लूटूथ नहीं है। ठीक है, ये माइक है इसका जो कि सामने से आ जाता है, गेमिंग हेडसेट की यहाँ पे ब्रांडिंग लिखी हुई है, गेमिंग हेडसेट करके लिखा हुआ है, और पन्नी वन्नी चढ़ी हुई है। और भाई फील में तो सही लग रहा है यार, मतलब सॉफ्ट कुशनिंग जो भी कुशनिंग है, जो भी क्वालिटी है बिल्ट है, क्योंकि सस्ती क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है ना वो अलग ही समझ में आ जाता है। यहाँ पे क्या है मेनली, यहाँ पर देखिए जैसा कि आप देख सकते हो, तो ये जो मॉड्यूलेटर है इस पर स्क्रूइंग की गई है, मतलब भाई काफी स्टिफ बनाने की कोशिश की गई स्क्रू करके। और ये है कुछ इसके एडवांटेजेस, जैसे कि पीसी के लिए आप इसको डायरेक्टली यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल के लिए 3.5 mm जैक तो है ही है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कुछ इसकी, कुछ सफायर कोटेड प्लेट्स हैं, ये जितनी भी वायर है सारी सफायर कोटेड है, और
मेनली पहनने में ही एडजस्टेबल तो है ही भाई, हर हेडफोन एडजस्टेबल होता है, बट ज्यादा एडजस्टेबल नहीं है जैसा कि आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत ही एडजस्टेबल है, बट एडजस्टिंग में भी डिजाइनिंग है। तो भाई बड़ा सही चीज बना रखी जिसने ही बनाई है, कंपनी तो जानी पहचानी सी है नहीं। दोनों साइड एडजस्टमेंट है, ये रेड कलर की कुशनिंग है, और जब आप इसको पहनोगे तो ये पूरा ग्लो करता है, तो ये काफी अच्छा लगता है, और ये पूरी लाइट्स ग्लो करती है। मैं भी आपको करके दिखाऊंगा जब इसको मैं अटैच करूंगा फोन या फिर टैबलेट जिसी से भी। तो मेरे को भी नहीं पता ये जलती कब है, या फिर यहाँ कोई बटन वटन तो दिख नहीं रहा लाइट चालू करने का, तो लगता है कि वो जब अटैच करेंगे तभी शायद लाइट चालू होगी, क्योंकि अगर अंदर से लाइट चालू होती तो फिर बैटरी, फिर ये चार्जेबल होता। सो बेसिकली हाँ, तो इसमें मतलब लगाने पे ही लाइट आएगी। तो ये तो हो गया इसका ओवरव्यू, साउंड क्वालिटी ये वो भाई, स्पेसिफिकेशन तो सब लिख देते हैं बट उन स्पेसिफिकेशन को पढ़ के आप प्रोडक्ट नहीं लेते। मैंने ये इसलिए मंगा लिया ताकि भाई कई भाई हैं जिनको अगर भाई चाहिए रहती फील की हमको गेमर वाली, गेमिंग वाली फील चाहिए, माइक आना चाहिए साइड से, मजा आता फील आती है, तो भाई तुम फील ले सकते हो 1450 रुपये में। और अब देखते हैं इसको टेस्ट करेंगे, बाकी मैं खुद भी टेस्ट करूंगा, मैं 3-4 लोगों को और पहनाऊंगा, जो लोग पबजी खेलते हैं मेरे साथ वाले उनको पता होगा भाई, वो हम लोग देखो भाई अब 3-4 साल हो गए पबजी खेलते हो, हमें पता है कि एक बेस्ट साउंड रिस्पॉन्स क्या होता है, तो हम इसको पहन के बताएंगे, सबके रिव्यू लेंगे, और उसके बाद ही हम आपको रिकमेंड करेंगे आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं जब आप इनको फोटोज़ में देखते हो, तो भाई अट्रैक्टिव है भी कि नहीं है ये हमें देखना होगा। और अगर आप इसको फुल टाइम गेमिंग हेडफोन समझ के ले रहे हो बिल्कुल मत लेना, फुल टाइम भाई नहीं चलने वाला, 1140 रुपये में आपको फुल टाइम गेमिंग हेडफोन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप रात में 2-3 घंटे खेलते हो या फिर दिन में भी आपका दो घंटा तीन घंटे तक का यूसेज है, तब तक के लिए भाई ये तुम्हारे लिए मुश्किल आराम से 6-7-8 महीना चलेगा, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, तोड़ मरोड़ के 1 साल, उससे ज़्यादा नहीं, और 6 महीने की तो गारंटीड है कि भाई चल जाएगा, क्योंकि लग रहा है समझ में आ रहा है, पकड़ के लग रहा है भाई कि हाँ 6 महीना चल जाएगा, ठीक है। तो इसको फुल टाइम मत समझना भाई कि तुमने बिल्कुल ले लिया तुम भाई 6-7 घंटा पेलो, 6-7 घंटा पेलोगे तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर संभाल के चलाओगे, आराम से चलाओगे, एक लिमिटेड यूसेज में चलाओगे, तो आराम से 1 साल निकाल सकते हो, जो कि सोफेस्टिकेटेड इंसान टाइप का चलाएगा वो आराम से निकाल सकता है। कुछ होते हैं भाई पबजी वाले भाई पूरा पूरा दिन खेलते, तो उनका हम नहीं कह सकते कुछ कि वो कैसा कर पाएंगे इसके साथ, कि कैसे उनके साथ चल पाएगा ये। अच्छी भाई कैप ऐप दी रही, और इसको अब हम अटैच करके देखते हैं कि लाइट चालू होती है कि नहीं होती है। ये हमने यहाँ अटैच कर दिया इसको, और क्या डिवाइस ने इसको रीड किया है, शायद रीड नहीं किया है, रीड करता तो हेडफोन आ जाता है ना, फिर भी बजा के देख लेते हैं भाई, डरो मत, मेरे को भी थोड़ा डर लग रहा है, तो अपन बजाएंगे। ठीक है, इस पर आवाज़ आ रही है, बस लाइट नहीं चालू हुई है, लाइट कहाँ चालू होती है अपने को देखना पड़ेगा, वॉल्यूम कंट्रोलर चेक कर लेते एक बार, वॉल्यूम भाई बहुत प्यारा कंट्रोल हो रहा है ऐसे देखो, तुरंत कब वापस चालू, बंद चालू, बंद चालू, बंद चालू, ठीक है। क्वालिटी तो भाई सही समझ में आ रही, क्योंकि यहीं रखा है तो इतनी तेज़ बज रहा है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, जब मैं इसको कान में लगाऊंगा तो मेरे कान और सब फट जाएगा, वो मैं चीज़ बोल नहीं सकता भाई, वीडियो सेंसर हो जाएगी। तो लाइट कैसे चालू होती है यार, ये मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा कि लाइट क्यों नहीं चालू हो रही है इसमें, लाइट तो चालू होनी चाहिए भाई, उन्होंने बताया था लाइट चालू होती है, और मेरे को लग भी रहा लाइट चलेगी यार, साला चाइनीज प्रोडक्ट लेने का यही है भाई, लाइट चालू नहीं हो रही, बताओ लाइट चलाओ करके दिखाया था उन्होंने वीडियो, वहाँ फोटो में देखो भाई लोग, फोटो में वीडियो में वो फोटो में अमेजोन की फोटो में ना लाइट चालू थी इसकी, मैंने देखा था वो लाइट चालू थी इसकी, तभी तो मैंने लिया भाई कि लाइट चालू होगी मज़ा आएगा, लाइट ही नहीं चालू हो रही है, लाइट लाइट लाइट। अच्छा LR भी मेंशन है भाई, LR लेफ्ट राइट, और यार लाइट कहाँ है यार, PC से कनेक्ट करके लाइट चालू होगी क्या, ऑक्स में शायद, मे बी, हाँ हाँ हो सकता है कि ऑक्स पे ना लेता हो वो चीज़, पावर नहीं जाती होगी, USB से शायद चली जाए, एक मिनट लैपटॉप से ट्राई करते हैं। तो लैपटॉप अपना सेटअप हो गया है, और अब अपन ट्राई करेंगे कि इसकी USB के थ्रू इसमें लाइट चालू की जाए, क्योंकि लाइट ही मेन है, अगर लाइट नहीं आएगी तो मज़ा भी नहीं आएगा भाई, लाइट आनी चाहिए यार, मैंने लाइट के लिए लिया था कि चलो अच्छा मज़ा आएगा देखेंगे लाइट। हो गई लाइट चालू, हो गई गाइस फाइनली, जो कि मेरा बिलीफ था वो सच हो गया कि USB से पावर ट्रांसमिशन होता है, पावर ट्रांसमिशन। सो देखो लाइट भाई जल गई है भाई, अब लग रहा है, अब मज़ा आ रही है इसको देखने में, मेरे को ना ऐसा मन कर रहा है कि इसको मैं ही रख लूँ और मैं इसको किसी को और को ना दूँ, बहुत प्यारा लग रहा है भाई दिखने में, मतलब देख सकते हो तुम यार रेड कलर की लाइट जल रही है, मतलब बहुत ही मज़ा भाई, बहुत प्यारा लग रहा है यार देखने में, लाइट वाइट जल रही एकदम रेड ब्लैक फिनिशिंग में, लाइट भी जल रही है, वाह
दोनों तरफ लाइट चल रही है भाई, और DRL टाइप की ना, डे टाइम रनिंग लाइट्स नहीं होती आपकी, एक मिड सी क्लासिक सी लाइट चलती है, वैसी लाइट चल रही है भाई, बहुत प्यारा लग रहा है, मजा आ गई देख के, बहुत प्यारा लग रहा है। सिल्वर क्रोम की फिनिशिंग है आपकी, क्रोम तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी क्रोम, यहाँ पे भी क्रोम, और लाइटिंग तो है DRL। तो कार के कुछ फीचर्स भी हैं इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, और माइक वाइक सब सही है भाई, निकलता नहीं है, निकालने की कोशिश ना की जाए अगर कोई खरीदे। इसका लिंक भाई किसी को चाहिए हो तो अमेज़ॉन का मैं डाल दूंगा, और मेरे लिंक से खरीद लोगे भी तो मेरे को कोई प्रॉफिट पैसे वैसे मिलने नहीं है, तो देख लेना, वरना अपने आप से देख लेना। और भी इन इसी कंपनी के और भी हेडफोन्स अवेलेबल है, वाइट कलर के हैं, प्ले स्टेशन थीम में भी हैं, प्ले स्टेशन थीम में वाइट और पर्पल कलर का एक हेडफोन है, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, अगर चाहोगे तो उसका भी मैं रिव्यू डाल दूंगा। और अगर किसी को भाई ऑनलाइन का वेट नहीं करना है, और किसी को अगर ये हमसे ही चाहिए है, क्योंकि हम भी तुम्हारे सामने खोलते हैं कौन सा हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इफ़ यू वांट आप इसको खरीद सकते हो, जो ऑनलाइन रेट है वो भी हम भी ऑनलाइन रेट पे आपको दे देंगे, आप यहाँ से आके हमसे ले जाइए, आपको जल्दी मिल जाएगा, बाकी आपकी इच्छा आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, आपको डब्बे खोलने का ज़्यादा शौक है तो, है ना। तो ये भाई बहुत प्यारा लग रहा है, लाइटिंग वाइटिंग ही तो, लाइटिंग ही तो मेन है क्योंकि मैंने इसको मंगाया, बाकी क्वालिटी वालिटी तो मेरे को पता था कि उतनी कुछ खास होगी नहीं, बट खास है, क्वालिटी है ब्रो, क्वालिटी है। मैंने बोट के गेमिंग हेडफोन्स देखे थे और मैंने यूज़ भी किए हुए हैं, बट ये भाई उसी के जैसा है, लेकिन क्या पता भाई चलने में कैसा होगा, वो है तो है लेकिन अब यूज़ करने में जब 2-3-4-5 महीने हो जाएंगे उसके बाद पता चलेगा मेरे लिए है कैसा। इसको लॉन्ग टाइम रिव्यू अगर किसी को देखना तो बताओ, वरना मैं इसको गिव अवे कर दूंगा अपने किसी खानदान वाले को, ठीक है, पैसों के बदले में। अगर किसी को चाहिए तो बता दो, अगर किसी को इसका लॉन्ग टाइम रिव्यू देखना है तो भी बता दो, ताकि मैं इसको अपने पास रखा रहूं, वरना मैं इसको डिस्कार्ड कर दूं या फिर अपने किसी खानदान में दे दूं, किसी को बांट दूं, किसी बच्चे को, ठीक है। तो फिलहाल यही था इसका। अभी मैंने इसमें गाने वाने सुन के देखा, एक आधा BGMI का गेम खेला, बहुत प्यारा रिस्पॉन्स था भाई, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था 1140 रुपये का ईयर हेडफोन, वो भी गेमिंग, ऐसा रिस्पॉन्स देगा। ये माइक भी बहुत प्यारी क्वालिटी का है, मतलब लिटरली भाई इससे आवाज़ रिकॉर्ड करके देखा मैंने, मेरे बोया माइक, सॉरी बोया नहीं, कौन सा है वो, बोया ही है शायद, हाँ बोया माइक जैसी रिकॉर्डिंग दे रहा था भाई, मतलब लिटरली इसमें वो बैकग्राउंड नॉइज कैंसिलेशन था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया देखते, बट भाई है तो है, मेरे को नहीं समझ आ रहा ये प्रोडक्ट कहाँ से गिर गया इंडिया में आके, वैसे नहीं होता एलियन क्रैश करते बाहर से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लेके, बिल्कुल वही है भाई आइटम, लाइट बहुत प्यारी, म्यूजिक क्वालिटी, बेस ड्राइवर्स भी बहुत प्यारे हैं इसके, और केबल क्वालिटी A1, और वो जो ये कंट्रोल करने के लिए ये भी बहुत प्यारा है, मतलब इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तुरंत यहाँ से माइक म्यूट अनम्यूट फटाफट, और ये पता नहीं बटन काय के लिए है, इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, वैसे वो दब नहीं रहा है तो शायद वो पकड़ने के लिए होगा। तो यही था इसका, बाकी हाँ एक चीज़ बता दूँ, मोबाइल में अगर डायरेक्टली कनेक्ट करोगे तो ये लाइट नहीं जलेगी, लाइट जलाने के लिए आपको PC में कनेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आपको फोटो खींचनी है तो एक साइड से लैपटॉप कनेक्ट कर लो, एक केबल मोबाइल से कनेक्ट कर लो, ये केबल मोबाइल में चली जाएगी, वो केबल आपकी PC में चली जाएगी, दोनों एट अ टाइम आप चलाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ आपको लैपटॉप पे अपनी सेटिंग करनी होगी इसको चलाने के लिए, तो सेटिंग कर लेना, ये मत समझना कि ख़राब है वो, अगर भाई PC में चलाना हो तो ये समझना ख़राब है, सेटिंग करनी पड़ती है, या तो आपको बिना लाइट के खेलना है PC में भी, तो आप डायरेक्टली ये चीज़ आप लगा लो उसमें, क्या बोलते हैं, लैपटॉप में या फिर PC में बिना लाइट के खेलने के लिए। और एक चीज़ और भाई, अगर इसको तुम्हें लाइट ही चाहिए ना, तो तुम इसको, ये जो इसकी USB केबल है, इसको तुम नॉर्मल चार्जर से प्लग इन करके भी लाइट चालू कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि चार्जर ज़्यादा वो हाई वोल्ट का ना हो, वरना भाई फालतू ज़्यादा करंट का है को देना, जब नॉर्मल करंट में LEDs तो जलानी है 3-4, तो नॉर्मल से किसी 5-1 वोल्ट के चार्जर से चार्ज कर लेना, मतलब चार्ज मत करना, सॉरी लगा के अपना गेम वेम खेलो, फोटो वोटो खींचो, मेरे लिए भाई बहुत अच्छा लगेगा। अगर तुम किसी को यूट्यूब, अभी तुम ग्रोइंग यूट्यूब चैनल चला रहे हो, या फिर तुम्हें खोलना चाहते हो, तुम इंस्टाग्राम पे भाई वीडियो डालना चाहते हो अपनी फेस कैम, तो आई थिंक 5-6 हज़ार रुपये खर्च करने से अच्छा भाई इनिशियल स्टेज पे तुम, कि 1100-1200 रुपये 8 महीने के हेडफोन्स के हिसाब से बुरे हैं भाई, इन केस अगर कोई दिक्कत आती भी है इन हेडफोन्स में, तो तुम किसी भी एक नॉर्मल रिपेयर शॉप में जाकर इसको रिपेयर करवा सकते हो। साउंड ड्राइवर्स खराब हो गए तो तुम दूसरे साउंड ड्राइवर डलवा सकते हो, 500-300-400 रुपये खर्चा आता है, बेस ड्राइवर चलवाने में डलवा सकते हो, मतलब ये रिपेयरेबल होते हैं, ऐसा मत समझना कि भाई तुमने ले लिया खराब हो गया तो तुम इसको रिपेयर नहीं कर सकते, इवन ये माइक्रोफोन तक रिपेयर हो जाएगा अगर तुम किसी अच्छी दुकान पर चले जाओगे। और जबलपुर में रहने वाले लोगों के लिए तो भाई एक ही वो है, सिलिकॉन सिटी अपनी, क्या नाम है उसका, जयंती कॉम्प्लेक्स, वहाँ चले जाएँ आप, सिलिकॉन वैली है अपनी वो, तो वहाँ पर आपको सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज देखने मिल जाती हैं, तो वहाँ से आप इसको रिपेयर करवा लेना अगर इनके दिक्कत खराबी आती है तो। वैसे अगर संभाल के चलाओगे तो भाई कोई भी सामान खराब नहीं होता है, चलाने वाले पर डिपेंड करता है, अब तुम रगेड़ोगे तो बनी बात है भाई, वो तो तुम वन प्लस का भी कुछ ले आओ आइटम तो रगेड़ के ख़राब हो ही जाना है, तो संभालने पर डिपेंड करता है भाई, बाकी क्वालिटी वाइज बिल्ट वाइज
तुम्हें कोई शिकायत नहीं आने वाली अगर तुम इसको मंगाते हो और इस कंपनी का कोई भी हेडफोन मंगाते हो। और अगर तुम इस कंपनी का कोई और भी हेडफोन देख रहे हैं जो तुम भाई अमेजोन पे देख रहे हो और तुम श्योर नहीं हो, तो मुझे भाई नीचे कमेंट डाल देना, मैं वो हेडफोन मंगा के उसका रिव्यू डाल दूंगा। और तुमको अगर भाई ज़्यादा, अगर तुम मेरे आसपास रहते हो तो मैं भाई नाम तो पता ही है, तो मेरे आसपास रहते हो तो आके तुम इसको एक बार चेक भी कर सकते हो अगर तुम्हें लेने से पहले, अगर तुम्हें देखना हो तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो, है ना। तो जैसी तुम्हारी इच्छा, ठीक है। तो यही था इसका रिव्यू यार। और इस वीडियो के स्पॉन्सर्स मैं बताना चाहूँगा, वीडियो में स्पॉन्सर आ गए हैं हमारे, बहुत अमीर हो गए हम लोग। तो इस वीडियो के स्पॉन्सर थे भाई हेवेंजार ड्रॉपेक्स। तो अगर भाई तुम ये कार्ड किसी भी दुकान में देखते हो तो तुम उस दुकान से अपने अपने घर पे होम डिलीवरीज मंगा सकते हो किसी भी सामान की, चाहे वो किराना हो, कलहरी दारू हो, या फिर जो भी हो वो सब आप मंगा सकते हैं। और या फिर इनका एक ऐप है भाई, प्ले स्टोर पे ऐप है इनका, HVENZAR, इसको डाउनलोड करके सारी दुकानों को आप देख सकते हो कौन कौन सी दुकान इनके साथ कनेक्टेड है और उनसे सामान मंगा सकते हो। ये ऐप भाई गूगल प्ले से प्रोटेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत छोटे मोटे डिलीवरी चार्ज लगते हैं, इतने डिलीवरी चार्ज लगते हैं जितने कि तुम एक हफ्ते में सिगरेट पी जाते हो, तो समझ गए। तो बस इतना ही, और यही थे हमारे स्पॉन्सर, तो इनको थोड़ा थैंक यू बोलेंगे हम, थैंक यू भाई। और बस यही था इसका रिव्यू। और कोई सवाल, दिक्कत, परेशानी जो भी हो तो आप अपने मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डाल दो मैसेज, वैसे DM कर दो, है ना। और नीचे कमेंट डाल दो, कमेंट डालोगे तो कमेंट के रिप्लाई तो मैं कर ही दूंगा क्योंकि मेरे को वैसे ही कमेंट नहीं आते, ठीक है। तो बस यही था इसका रिव्यू। और भी अगर कोई चीज़ें जाननी हो तो मुझे बता देना, मैं कमेंट कर दूंगा नीचे, तुम्हारे साथ रिप्लाई विप्लाई कर लेंगे, अपन खेल लेंगे। और यही था इसका रिव्यू, यही था इसका गेमिंग रिव्यू, यही था इसका म्यूज़िक रिव्यू, थैंक यू। तो यार जैसा कि आप लोग देख सकते हो, राहुल इन हेडफोन्स को पहन के अभी खेल रहा है और फिट काफ़ी अच्छा आया हुआ है हेडफोन्स का। और ये बोल रहा था खेलने के बाद कि इसके दोनों जो कान थे वो हेडफोन्स के कुशनिंग के अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से क्या है कि बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छा आ रहा था और फिट बिल्कुल अच्छा आ रहा था। लुक में भाई बहुत प्यारे लग रहे थे हेडफोन। और जब ये आपके ऊपर कान में ऐसे लगे हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कोई प्रो गेमर बैठा हुआ है, और बहुत ही अच्छा लुक दे रहे थे ये हेडफोन्स। और मेनली ये लुक के लिए ही है, गेमिंग और साउंड क्वालिटी तो मैंने बता ही दिया कि एवरेज है। मैं बहुत अच्छी भी नहीं बोलूँगा और बुरी तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा क्योंकि बुरी नहीं है, बट अपने प्राइस के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। और जो भी फीचर्स दे रहा है अपने प्राइस के हिसाब से भाई बहुत परफेक्ट है। तो भाई इट्स अ गो, बिल्कुल लो इसको और चलाओ, अच्छे से चलाओ, संभाल के चलाओ ताकि अच्छे टाइम तक चले। और लाइट्स तो यार मतलब सबसे ज़्यादा तो लाइट्स ही इसकी जी फाड़ है भाई, और सबसे बेस्ट मतलब मुझे इसका लुक ही लगा है। और साउंड क्वालिटी और बेस ड्राइवर्स तो मैंने पहले डिस्कस कर दिए। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर कोई हेडफोन्स, गेमिंग हेडफोन्स या फिर कोई भी चीज़ देखनी हो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नीचे कमेंट करो और सारे रिव्यूज़ पाओ और पर्सनलाइज क्वेश्चन आंसर्स भी पाओ। थैंक यू।